हेलो। आ चुके हैं आप लोग, कमेंट करें। कौन कौन प्रेजेंट है कमेंट करें। दो लोग लाइव हैं बता रहा है अभी, तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि आ चुके हैं। दो लोग तो आए हैं लग रहा है ऐसा। हाँ ठीक है, एक लोग आ चुके हैं प्रेजेंट सर। ठीक है ओके। और लोग बस एक लोग रहेंगे? बस एक लोग रहेंगे तो आप लोग का क्लास होगा। सुबह सुबह उठे नहीं हैं लोग? जल्दी, कोई चैनल पे तो आ ही नहीं रहा लग रहा है। किसी को आने नहीं आ रहा है चैनल पे? ओहो, व्हाट्सएप पे अभी आ रहा है कि कब आप ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन तो हो चुके हैं ना। आवाज आ रही है तो, आवाज आ रही है तो कमेंट करिए। आवाज मेरी आ रही है तो कमेंट करिए आप। बस एक लोग रहेंगे। और लोग कहाँ हैं? सब लोग YouTube पे? वो लोग आए नहीं अभी क्या? अरे भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? चलिए, दो तीन लोग और जुड़ चुके हैं। चार लोग ऐसा लग रहा है। दो लाइव हैं, चार ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं तब। मिला जुला करके लग तो रहा है कि आप लोग एक ही लोग रहेंगे। दो लोग तीन लोग कुछ कमेंट करने किसी लोग को नहीं आ रहा है क्या? लग रहा है ऐसा कुछ कमेंट ही करने नहीं आ रहा है। दो एक लोग सिर्फ कमेंट किए हैं। हाँ, दिमाग लग रहा है कमेंट किए हैं और कोई कमेंट किया नहीं है। मतलब क्लास स्टार्ट न किया जाए आप लोग का कहना है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, हो गया क्लियर। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया अभी तक क्लास में। अरे प्रेजेंट सर व्हाट्सएप पे नहीं लिखना है। आइए आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब चैनल पे आइए। लाइव चल रहा है, आप लोग आवाज भी हमें उम्मीद है क्लियर आ रही होगी। उसके बावजूद कोई लाइव नहीं है। अरे सब लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा है कि सर टाइम हो गया। यूट्यूब पे जाके देखिए आप लोग, यूट्यूब पे देखिए, दिख रहा है? हाँ, अमन गुप्ता ठीक है, आप भी आ चुके हैं। एक सेकेंड, आप लोग जा करके ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस लिंक को, वीडियो के लिंक को। यूट्यूब में शेयर करके, यूट्यूब के लिंक को ना व्हाट्सएप में शेयर करके आइए और कह दीजिए ज्वाइन करिए इससे, तो वो लोग लग रहा है ज्वाइन करेंगे। अब लीजिए, फोन आ रहा है डंपी। ओहो, यूट्यूब में ऑनलाइन खोलो, यूट्यूब में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो लोग आ चुके हैं। हाँ, टू टू सिक्स। हाँ
पता है आप लोग तुरंत पहले व्हाट्सएप में जाइए और लिंक को शेयर करिए वीडियो के, तब जा करके स्टार्ट करते हैं। दो लोग से कैसे, हाँ तीन लोग आ चुके हैं, कमेंट करके हमको बताइए तुरंत, ठीक है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, फ्लक्चुएट नहीं तो कर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए और शेयर करके आइए, शेयर करके जो भी आ रहा है यहाँ पे लिखे कि हम शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। शेयर करके आइए आप लोग जल्दी से जल्दी, चार लोग लाइव जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, लेकिन कमेंट तो दो ही लोग का अभी आया है, इसका मतलब दो लोग के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आनंद विश्वकर्मा आ चुके हैं, रामसन, ठीक है, ओके। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए पहले, ठीक है तीन लोग आ चुके हैं तो आप लोग एक बार डन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आवाज़ तो आ रही है क्लियर, सब लोग यस करिए, यस करते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार यस कमेंट करिए तो पता चलेगा कि हाँ आवाज़ आ रही है। आप लोगों ने विष्णु कहा, क्या कर रहे हो, सब लोग व्हाट्सएप पे कॉल किए जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अगर, हाँ ठीक है, ओके, किशन के पी इंडियन, ओके, चलिए ठीक है। लिंक लिंक आप लोगों को मिल गया है। चलिए ठीक है, लिंक शेयर कर दिए हैं, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलिए हो गया आपका काम का पूरा। चलिए चलिए पहले कोटेशन से स्टार्ट करते हैं आज के, क्योंकि देखिए कोटेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। चलिए, टुमारो कभी आता नहीं है, देखिए, डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। टुमारो कभी आता नहीं, यानी कल कभी नहीं आता है, क्योंकि वो कभी आपका इंतजार नहीं करता है। देयर फोर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो। कभी भी इंसान कोई काम कल पे छोड़ता जाता है तो वो हमेशा कल ही हो जाता है, क्योंकि कल होगा तो फिर आप कहेंगे फिर कल करेंगे, तो इसलिए आज ही काम स्टार्ट करें और अभी से स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज़, आज पढ़ेंगे हम रसिया के बारे में, और देखेंगे कि आखिर रसिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो उसके लिए स्लाइड हम शो करेंगे और आपको उसी हिसाब से समझाते जाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग को पीडीएफ भी इसका अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप में, लेकिन सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए क्या इज़ रसिया यूरोप और इन एशिया। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या रसिया यूरोप में है पहले या एशिया में है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ा, कि रसिया दरअसल यूरोप में है या एशिया में है। देखिए दरअसल यूरोप एशिया में भी है और थोड़ा यूरोप में भी है, ठीक है। दो कॉन्टिनेंट हैं, दो, एक यूरोप और एशिया। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया है, ठीक है, और यूरोप जो है वो सिक्स्थ आपका कॉन्टिनेंट है। टोटल 8 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं अब, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे किस कॉन्टिनेंट की, यूरोप के और एशिया के, क्योंकि आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कि वेस्टर्न रसिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और ईस्टर्न रसिया आप देख पा रहे होंगे। देखिए दरअसल क्या हुआ कि फिलिप जोहान वॉन स्टालनबर्ग एक व्यक्ति हुए, उन्होंने सबसे पहले रसिया को जो है दो भागों में बांट दिया। इससे पहले क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी यूरोप के लोगों में और रसिया के लोगों में, कि दरअसल यूरोप के कुछ कंट्री थे जैसे डेनमार्क थे, स्पेन थे और इटली और जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि रसिया जो है वो यूरोप में आता है। तो हुआ क्या, इसके लिए फिलिप जोहान वॉन स्टालनबर्ग ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, आप लोग इतना ज़्यादा लड़ाई ना करें, ऐसा है कि जो वेस्टर्न रसिया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं यूराल एक माउंटेन्स है,
यूराल माउंटेन्स ने जो है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे माउंटेन्स का मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो वहाँ पे यूराल माउंटेन्स ने रसिया को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक वेस्टर्न रसिया एक ईस्टर्न रसिया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न रसिया है वो आपका आता है यूरोप में, ठीक है, और जब जो आपका ईस्टर्न रसिया है वो आता है आपका एशिया में, इसलिए उसका नाम बदल करके बाद में बहुत लोगों ने उसको कहा यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरेशिया आपको मिला हुआ वर्ड दिख रहा होगा, तो यूरेशिया होता है यूरोप और एशिया को मिला करके। तो याद रखिएगा, यूराल माउंटेन्स ने डिवाइड कर दिया, यानी और किसने किया, व्यक्ति ने, व्यक्ति का नाम था फिलिप जोहन वॉन स्टालनबर्ग। स्टालनबर्ग ने क्या कर दिया, वेस्टर्न रसिया और ईस्टर्न रसिया को डिवाइड कर दिया यूराल माउंटेन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न रसिया और वेस्टर्न रसिया को कौन सा माउंटेन डिवाइड करता है, ठीक है, तो यूराल माउंटेन्स डिवाइड करता है। चलिए आगे, और मैं बता दूं कि एक ये स्वीडिश जियोग्राफर थे और ये जर्मन के रहने वाले थे वैसे तो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने सब लिख दिया है, PDF आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं उसका मैप कहाँ है, कि रसिया आपका किस कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है और किससे सबसे ज़्यादा, मैंने वैसे आगे स्लाइड में लिया है कि किससे वो कितनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे रसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वो रसिया है। देखिए, सबसे पहले रसिया का नाम USSR हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेकिन बाद में जब 1991 में रसिया टूटा तो फिर USSR टूट करके रसिया बन चुका था। दरअसल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूक्रेन एक देश है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन एक देश है और यहाँ पे एक फिनलैंड देश है, लेकिन यूक्रेन जो दोस्तों हिस्सा था वो भी रसिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1991 में जब USSR टूटा तो वो यूक्रेन अलग हो गया रसिया से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिएगा बेलारूस, फिनलैंड और यूक्रेन, और इस तरह से बहुत सारे कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब रसिया से क्या करते हैं, ये सब शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री। सबसे लंबी अगर बाउंड्री की बात करें रसिया से तो वो शेयर करता है कजाकिस्तान, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। आप कारा सी देख पा रहे होंगे और बैरन सी देख पा रहे होंगे, ईस्ट साइबेरियन सी, और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे साउथ कोरिया है, ठीक है। रसिया के ठीक आप अगर ईस्टर्न साइड में देखें तो आपका साउथ कोरिया है और यहाँ पे जापान है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस लिया था तो मैंने आपको बताया था कि रसिया जो है वो किस तरह से एक छोटे से कंट्री से हार जाती है जापान से, ठीक है। साउथ कोरिया को लेकर के, इसी एक आइलैंड था यहाँ पे साउथ कोरिया में, इसी आइलैंड को लेकर के जापान से वो बहुत बड़ा बैटल हार चुका था, जो एक छोटा सा देश है। आप देख पा रहे होंगे जापान कितना छोटा सा देश है और रसिया जो कि दुनिया का इतना बड़ा देश है, जो कि सबसे बड़ा देश है आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर दरअसल रसिया आखिर क्यों टूटा, उसका वजह क्या था रसिया के टूटने का। आज मैं हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा बैकग्राउंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह से वो कौन कौन, और देखिए यहाँ पे अब मैं बता दूं कि रसिया का जो वेस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया सॉरी, साउथ कोरिया के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे सी ऑफ जापान आप देख पा रहे होंगे, सी ऑफ जापान के ऊपर आप देखेंगे अगर, तो वहाँ पे है रसिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट, जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक। क्या नाम है? व्लादिवोस्टोक। वहीं पे आपको सबसे बड़ी आपको जो है ट्रेन मिलेगी, सबसे दुनिया की बड़ी ट्रेन का रेलवे लाइन आपको मिलेगा, ठीक है, व्लादिवोस्टोक में। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अगर रेलवे लाइन अगर पूछे कभी एग्जाम में तो वो है व्लादिवोस्टोक, जो कि रसिया में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और नदी दिखेगी, यूरोप की अगर सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो वो वोल्गा नदी होगी, जो मैंने आगे हो सकता है लिखा हो मैंने, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए एक मैप में आपके सामने थोड़ा और लार्ज मैप लिया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में अगर आप अपने आईज को करेंगे तो मॉस्को आप देख पा रहे होंगे यहाँ का कैपिटल है ईस्टर्न साइड में, ठीक है। और जो बाउंड्री शेयर करता है रसिया वेस्टर्न साइड में वो करता है इस्टोनिया, लटविया और लिथुवेनिया, ठीक है। देखिए इन तीनों कंट्री को बाल्टिक सी ने घेरा हुआ है, देखिए यहाँ बाल्टिक सी आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर में, तो इन तीनों कंट्री को बाल्टिक सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्टिक सी कंट्री, यानी बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक नेशन भी आप कह सकते हैं इनको, लिथुवेनिया, लटविया और इस्टोनिया, ठीक है। इनको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो वेस्टर्न साइड में अगर ध्यान दें तो वेस्टर्न साइड में आप देख पा रहे होंगे तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आपको येलो कलर का मैंने आपको लाइन किया हुआ है, और उसके ठीक बगल में आपके आयरलैंड है, और आप देख पा रहे होंगे कि बेल्जियम और लंदन आप दो शहरों को देख पा रहे होंगे, वैसे तो बेल्जियम एक कंट्री है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉस्को, मैंने जैसा कि बताया कि मॉस्को जो है एक नदी है वहाँ पे मस्कवा, उसके नाम पर वहाँ की राजधानी का नाम मॉस्को पड़ा हुआ है, ठीक है।
मैं अभी बताऊंगा बहुत आपको इंटरेस्टिंग बातें रसिया के बारे में, कि कैसे वहाँ के लोगों लोग जो है वो जल्दी नहाते नहीं थे, बहुत बहुत दिन तक, 20-20, 25-25 दिन तक नहाते नहीं थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके उसी तरह से रखे हुए रहते थे। और उनके ऊपर एक व्यक्ति आया, पीटर महान करके राजा वहाँ का हुआ, उसने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था कि लोग जो दाढ़ी रखेंगे उनको बहुत लंबा चौड़ा टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ के ज़बरदस्ती लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था कि आप जो है नहाएं और डेली जो है रूटीन आप बनाएं। लोग वहाँ के नहाते नहीं थे, ठीक है, जान के थोड़ा शॉकिंग होगा। और मैं ये भी बता दूं कि वहाँ के लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ 10 लड़कियों पे 6 से 7 करीबन आपको लड़के मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लो सेक्स रेशियो है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है रसिया में। रसिया का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। आप समझ सकते हैं रसिया का पॉपुलेशन इतना कम है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश जो कि हमारा स्टेट है उससे भी कम है। अगर हम बात करें तो लमसम में 14 से 15 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश का आप जान ही रहे हैं 24 से 25 करोड़ के आसपास। अगर नया डेटा आएगा 2021 में तो आपका 24 से 25 करोड़ डेटा आएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का इतना बड़ा देश और इतना छोटा जो है आपका वहाँ पे, कितना छोटा आपका वहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि देश बड़ा है लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वहाँ का जो जीडीपी है, अगर जीडीपी में बात करें मतलब कितना अमीर देश है, तो रसिया को सुनकर के नाम आता होगा कि इतना बड़ा देश है तो बहुत अमीर देश होगा, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो टॉप 10 कंट्री में भी नहीं आता। दरअसल रसिया बहुत ही ज़्यादा जीडीपी के मामले में बहुत करीब देश है, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। चलिए पहले अभी जान जाते हैं कि हाँ आखिर ये कंट्री कैसे बना, आखिर 1991 में क्यों टूटा, इसका क्या वजह था, ठीक है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इसके बीच में जो आपको दिख रहा होगा ये चैनल, इसको जो चैनल किसको कहते हैं, जो स्मॉल पैसेज होता है दो कंट्री के बीच, उसको चैनल बोलते हैं। और स्ट्रेट जो होता है वो थोड़ा चैनल से बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश चैनल है, ठीक है, लंदन और बेल्जियम या पेरिस के बीच आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लंदन और पेरिस के बीच क्या है, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को भी आप देख पा रहे होंगे। मैप देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कंट्री का नॉलेज हो पाए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात और बता दूँ कि रूस का जो कैपिटल है, मैंने आपको भी बताया कि रूस का कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और उसका करेंसी जो आपका पड़ेगा वो रूबल पड़ेगा, ठीक है। चलिए वहाँ पे बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट भी है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें कि हाँ समझ में आ रही है, और फिर मैं आगे बढ़ूँ इससे लेकर के। जल्दी से जल्दी कमेंट करें और बताएं कि आवाज़ तो आ रही है क्लीन ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप कमेंट करके बताते रहिए मुझे। मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये बॉर्डर शेयर करता है अपना, और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए रूस जो है वो किस तरह से बॉर्डर शेयर करता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि आवाज़ तो आ रही है आपको, जल्दी कमेंट करें, कमेंट करके बताइए। जी, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए एक बार मैं, चलिए स्टार्ट करता हूँ फिर से। ओके ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, दरअसल बॉर्डर जो शेयर करता है रसिया, वो शेयर करता है नॉर्वे के साथ। मैंने यहाँ पे आपके सामने दे दिया है, ठीक है। नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लटविया, लिथुवेनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया कि रसिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है कजाकिस्तान से, 7,512 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा मिनरल्स की बात करें तो नेचुरल गैस जो है रूस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी बात मैं अभी करूँगा आपसे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रूस अभी अगर बाउंड्री शेयर करता है तो वो किसके साथ शेयर करता है, वो करता है कजाकिस्तान की, ठीक है। कजाकिस्तान की आप कैपिटल तुरंत, आप जो है कमेंट में आप तुरंत मुझे बताइए कि कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे कम, अगर बात करें तो सबसे कम एरिया अगर टच करता है किसी कंट्री का रूस से, तो वो करता है नॉर्थ कोरिया का। ओनली वन आपको 17 किलोमीटर जो है उसका एरिया टच करता है आपका रूस से, ठीक है। अब अगर 11 MI जो लिखा हुआ वो माइल्स है, ठीक है। माइल्स जो है, 1 माइल इक्वल टू होता है 1.61 किलोमीटर, ठीक है। लगभग लगभग आप कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर होता है 1 माइल में।
तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और मैं अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो आपका जो कैपिटल कजाकिस्तान का वो क्या है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है रूस से, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे और समझते हैं कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह के यहाँ पॉलिटिक्स होती है। देखिए जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे बड़ा मेन हेड होता है पूरे स्टेट का, या मतलब पूरे कंट्री का जो होता है स्टेट होता है, ठीक है। उसी तरह जो है रसिया में भी इट्स वेरी सिमिलर टू द यूनाइटेड स्टेट, लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की ही तरह रूस भी एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे मेन होता है, वैसे ही रूस में सबसे मेन राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। और इंडिया की तरह वहाँ का सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ रूस, थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से है अमेरिका में, क्योंकि देखिए अमेरिका और इंडिया ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फंडामेंटल ड्यूटीज उसने जो है इंडिया ने रूस से ही लिया था, ठीक है। और अमेरिका से इंडिया ने क्या लिया था, फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट इंडिया ने अमेरिका से लिया था और फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिया था वो आपका लिया था रूस से, ठीक है। एक मैं बात बता दूं आपको कि अब फिर मैं आगे बात करूंगा इसके लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, ठीक है। आप गूगल मत करिएगा, गूगल जिसने करके आंसर बताया है वो ठीक नहीं किया उसने, ठीक है। चलिए वैसे मैं बात करता हूँ आगे, द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया इज, ठीक है आपने बताया है अमन, यानी ठीक है मैं आगे बताऊँ, द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया इज प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया जो होता है वो सबसे हेड ऑफ स्टेट होता है। और इस वक्त जो रसिया का प्रेसिडेंट है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइए कि प्रेसिडेंट कौन है रसिया का, आप तुरंत बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। तब तक मैं पढ़ाता हूँ आगे, द बिग डिफरेंस इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया हैज द एबिलिटी टू रिजॉल्व द ड्यूमा। देखिए मैं बता दूं आपको, अमेरिका में जो पार्लियामेंट का नाम है वो कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस वहाँ पार्टी नहीं है, वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, ठीक है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के दो मेन पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कांग्रेस के, ठीक है। और इंडिया में संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, आप जानते ही हैं। उसी तरह रूस में जो है पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, इफ द गवर्नमेंट इज नो वर्किंग प्रॉपरली देन ही कैन जस्ट मूव रिमूव रिमूव ऑल द ऑल एंड स्टार्ट एन इलेक्शन। देखिए क्या है, अगर जो ड्यूमा है उसका काम है कि अगर गवर्नमेंट नहीं सही से चल रही है तो वो दोबारा से जो ड्यूमा है उसको ख़त्म कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो ख़त्म कर सकता है। सो ड्यूमा इज टाइमिंग मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस बट नो लेजिस्लेशन कैन पास विदाउट ए ड्यूमा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई जो कानून है ड्यूमा के बिना नहीं बन सकता। ड्यूमा का मतलब संसद, आप जानते हैं संसद ही कानून बनाता है, संसद के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। उसी तरह रूस में भी है, जब तक ड्यूमा नहीं आपको, अच्छा ऐसा है कि आपको स्क्रीन तो क्लीन दिख रहा है ना आपको, आप बताइए कमेंट करके कि स्क्रीन आपको तो क्लीन दिख रहा है ना इस पे, द प्रेसिडेंट कैन सबमिट लॉज बट कैन नॉट वोट ऑन देम। प्रेसिडेंट जो है वो कानून तो बना सकता है लेकिन खुद वोट नहीं कर सकता है, जो प्रेसिडेंट है रूस का वो खुद वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है रसिया का वो हेड ऑफ ड्यूमा होता है, यानी जो पार्लियामेंट होता है उसका हेड होता है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होता है वैसे ही रसिया में जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, नाम मात्र का है, एक नॉमिनेटेड की तरह होता है, ठीक है। मतलब मेन जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर वो वहाँ के प्रेसिडेंट में होती है लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में होती है, ठीक उल्टा है, ठीक है। आपको समझना होगा, जो मेन डिसीजन लेता है वो यहाँ का, अगर इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वहाँ जो है रसिया में, वहाँ आपको समझना होगा कि वहाँ के मेन डिसीजन जो है प्रेसिडेंट लेते हैं और फॉलो जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ड्यूमा जो है वो क्या है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू हिज पोजीशन यूजुअली एट द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्यूमा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रसिया गेट्स टू अपॉइंट ऑल द एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट होती है, जो मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, किसके सजेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के। इंडिया में जितने भी मिनिस्टर हैं, मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, किनके सजेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन रसिया में ठीक उल्टा होता है इसका, आपको समझना होगा, वहाँ जो है वो क्या करता है, समझिएगा, वहाँ प्रेसिडेंट जो है वहाँ का सजेस्ट करेगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर वहाँ के होंगे, ठीक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कैन कॉल फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इफ ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉल्स ही इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड रिक्वेस्ट दैट द
डिसबैंड द ड्यूमा। देखिए प्राइम मिनिस्टर कभी कॉन्फिडेंस वोट भी ले सकता है। देखिए कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी ने चुनाव में 500 सीटें हैं और आपकी 250 प्लस 1 यानी 251 सीटें जीत ली है और आपकी सरकार बन चुकी है, लेकिन 251 में से 20 से 25 लोग आपसे बहुत नाराज चल रहे हैं और फिर उसके बाद आप दूसरे जो आपके सामने वाली पार्टी है वो आपके ऊपर कह दे कि नहीं भाई ऐसा है कि इनका आप जो है कॉन्फिडेंस सरकार में नहीं बचा है और हम चाहते हैं किसी तरह से कि इनका जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि इनकी सरकार गिर जाएगी, 25-30 लोग इनके जो सांसद हैं या इनके मिनिस्टर हैं ये दुखी हैं इनसे, तो ये आता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन इसी को कहते हैं, फिर ये सरकार गिर जाती है क्योंकि 250 से कम अगर होंगे 251 से, जैसे ही चाहे 10 चाहे 15 चाहे 2 या 1 कुछ भी कम हो तो सरकार गिर जाएगी, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर यूनाइटेड रशिया किस तरह से अलग हुआ, मैंने अभी बताया आपको। चलिए देखते हैं, पहले यूनाइटेड रशिया एज ऑफ 2017, देखिए 2017 में जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम था रशियन फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा ये उन्हीं के पार्टी है जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है रसिया के, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, मैंने बता दिया लेकिन आपने कमेंट अभी तक नहीं किया, चलिए ठीक है, फिर भी चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। और आप लोग आराम से उम्मीद है कि कॉपी लेकर बैठे होंगे और लिख रहे होंगे इन सब चीज़ों को, फिर भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं आगे और समझते हैं कि यूनाइटेड रसिया आखिर कैसे यूनाइट, पहले तो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड था लेकिन बाद में अलग हुआ 1991 में, इस डेट को याद रखिएगा। यूनाइटेड रसिया इज द लार्जेस्ट पार्टी इन रसिया एंड इच एज ऑफ 2017, 2017 में सबसे बड़े पार्टी के रूप में यूनाइटेड रसिया उभरी जो कि व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है। 342 जो है सीटें 450 में से अकेले जीत लिया इन्होंने, जो कि 76% था टोटल ड्यूमा का, ड्यूमा मतलब वहां का पार्लियामेंट, बार बार मैं बता रहा हूं आपको। द यूनाइटेड रसिया पार्टी फॉर्म्ड इन दिसंबर 2001 में जो है यूनाइटेड रसिया पार्टी बनी थी, इसके बाद शायद ही कोई इसके सामने जो है टिक पाया इस पार्टी के सामने, क्योंकि इस पार्टी के अंदर करप्शन इतना ज़्यादा था। सोचिए आप ध्यान से इसको समझिएगा कि 2001 से ही व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, अभी तक आप सोच लीजिए कितने दिन हो गए, 20 साल का समय हो गया और अभी तक वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, और करप्शन इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि वहाँ के बड़े बड़े अमीर जो है सरकार से मिल करके खूब जनता को लूटते हैं, वहाँ खूब करप्शन करते हैं और वहाँ के जो डेवलपमेंट होते हैं उसको भी नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्रोनिक कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर जब सरकार बहुत ज़्यादा करप्शन कर लेती है तो उनको क्रोनिक कैपिटलिज्म करते हैं और दूसरी पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं पैसे से और जिसकी वजह से सामने वाला उनके टिक नहीं पाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, अगर मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो भी है अगर उसने बहुत ज़्यादा किसी ऐसे लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा साठ गांठ कर लिया जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत रिच है, तो आने वाले दिन में वो धीरे धीरे करप्शन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हर कुछ तो मिनिस्टर के ही हाथ में होता है। जैसे इस वक्त जो है कोरोना का एक वैक्सीन या इंजेक्शन आ रहा है रेमडेसिविर में क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है 5,000 रुपये का MRP है और लोगों को 12,000-13,000 का मिल रहा है ब्लैक करके, क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया है, उसको डंप कर लिया है, लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है और उसको एक एक करके निकाल रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई एकदम नहीं है, तो करप्शन इससे बढ़ रहा है। उसी तरह यूनाइटेड रसिया में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। चलिए मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आखिर ये टूटा। चलिए अब बात करेंगे इस बात की कि देखिए किस तरह से, मैं बात करूंगा रसिया की कि किस तरह से यहाँ पे पूरा चल रहा था ये टास्क। क्या क्या मतलब है आप तुरंत पहले ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तुरंत आप उसको कमेंट करके बताइए। अच्छा ताशकंद, ओके ताशकंद जो है वो किसका कैपिटल है, आप उज्बेकिस्तान का कैपिटल बताने लगे ताशकंद, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आखिर 1682 में, ठीक है पहले मैं बताता हूँ कि दरअसल रसिया जो था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज वहाँ पे थी, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे लोग, अलग अलग तरह के पहनावे पहनते थे और बहुत ज़्यादा पिछड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब बहुत पहले करीब 1000 साल पहले अगर बात करें तो आप देखेंगे कि रसिया में जो मतलब हिस्ट्री चल रहा था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बैकवर्ड में थे ये लोग, बहुत ज़्यादा पीछे थे, बहुत लोग इनको जो है गुस्सा होते थे यूरोप के लोगों को देख करके एकदम। हाँ मैंने दिखाया आपको मैप में कि यूरोप एकदम भाई यूरोप में ही एकदम कनेक्टेड है ये बॉर्डर इनका रसिया का, तो यूरोप के लोगों को जब देखते थे रसिया के लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे कि ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में रहते हैं और हम जो है अनडेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं और हद से ज़्यादा हमें
चीज़ों की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे जो चर्च होते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग जो होते थे, वो कहते थे कि नहीं, आपको धर्म के ही हिसाब से चलना होगा, चाहे आपको पुरानी ही व्यवस्थाओं में क्यों ना जीना पड़े, आपको कंजर्वेटिव होकर चलना पड़ेगा। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो ओल्ड चीज़ों में विश्वास करे उसको कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको 9th में भी आया होगा, ये टर्म आया होगा कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को लेकर चलना। तो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च के लोग थे वो मानते थे कि नहीं, पुरानी ही चीज़ों को हमें लेकर चलना चाहिए, नई कोई व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1682 में एक राजा थे जिनका नाम था पीटर द ग्रेट बिकेम जार। जार देखिए TSAR भी होता है, CZAR भी होता है, तो जार ऐसे लिख सकते हैं। 1682 में जब पीटर जार जो है वहाँ के राजा बने, जार मतलब वहाँ के राजा, देखिए जार को राजा कहा जाता है, ठीक है, रसिया को, ध्यान रखिएगा। तो पीटर जो है पहले क्या गए थे, वो यूरोप गए पहले, पहले जब पीटर जार जो थे वो यूरोप गए, और यूरोप में जाकर के उन्होंने देखा लोगों के रहन सहन को, वहाँ के पहनावे को देखा, वहाँ के खाने पीने को देखा, और वहाँ के लोगों के मतलब एक एक चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व किया, और जाकर बस उन्होंने पूरे साइकिलिंग को देखा, और पूरा वहाँ के स्कूलिंग को देखा, वहाँ कॉलेज को देखा, वहाँ रोड को देखा, वहाँ का हॉस्पिटल को, वहाँ के मतलब हर चीज़ को वहाँ के मतलब ऑब्जर्व किया, किसने, पीटर द ग्रेट ने। और फिर यूरोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व करके हर चीज़ों को आया वो रूस में वापस, तो उन्होंने क्या किया कि रूस में एक बहुत बड़ी जो है लोगों के अंदर सोशल एक्सपेक्ट में अच्छाइयाँ फैलाई, और बताया कि देखिए ऐसा है कि यूरोप के लोग ऐसे रहते हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोग ऐसे रहें। और उन्होंने क्या किया कि सोशल एक तरह से बहुत जस्टिस लोगों में अंदर फैलाया, और एक मतलब बताया कि चर्च के लोग जो है हमें बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाना चाहते हैं, हमें जो है यहाँ पे सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए हमें कुछ नए परिवर्तन करने होंगे, कुछ चेंजेज करने होंगे, जो कि यूरोप में बहुत देर से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने यूरोप को देख कर आया था वो, और यूरोप को जब वो देख कर आया था तो वो चाहता था कि वो सारा चेंज करे। यहाँ के लोग, मैंने बताया ना कि 20-20 दिन 25-25 दिन नहाते नहीं थे, और इस तरह से यहाँ क्या हुआ, जब नहाते नहीं थे तो यहाँ बड़े बड़े बाल हो जाते थे, इनके दाढ़ी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते थे, मतलब इंसान को देख ले तो लगे कि हाँ कहीं भालू कहीं आकर के प्रेजेंट ना हो गया हो सामने। उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त देख रहे होंगे इन चीज़ों को और हंस भी रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो दाढ़ी वो बड़े बड़े रखते थे, तो पीटर महान जब राजा बना तो कहा कि ऐसा है कि जो भी दाढ़ी रखेगा उसके ऊपर मैं बियर्ड टैक्स लगाऊंगा। आपको जान के बहुत शॉकिंग होगा, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि पीटर महान ने बियर्ड टैक्स भी लगा दिया था, इसलिए कि वहाँ के लोग कम से कम नहा धो करके कायदे से रहें वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि उसके बाद सेक्स रेशियो भी मैंने बात किया कि रूस का सेक्स रेशियो इतना कम है कि वहाँ 10 लड़कियों के लिए सिर्फ 6 लड़के से 7 लड़के अवेलेबल हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वहाँ आप बच्चा पैदा करिए, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि हम बच्चा यहाँ पैदा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए खर्चा बढ़ेगा। तो वहाँ के गवर्नमेंट मतलब ऐसा, मतलब वहाँ के जो कपल्स होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम शादी करके बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ हुआ क्या कि वहाँ धीरे धीरे जो जनसंख्या थी वो घटने लगी। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तब रसिया के ईस्टर्न साइड में बहुत तगड़ा जो है वार हुआ था स्टालिन के ज़माने में। और जर्मनी के हिटलर ने जब वार किया रूस के ऊपर बहुत बुरी तरह से ईस्टर्न साइड में, तो बहुत अधिक, बहुत मतलब मैक्सिमम नंबर में वहाँ के सैनिक जो मेल थे वो मारे गए थे, बहुत ज़्यादा लाखों के नंबर्स में जो है मारे गए थे रसिया के सैनिक और सोल्जर। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, और वहाँ भाई उतना ज़्यादा जो है जन्म हो नहीं रहा है और सैनिक मारे जा रहे हैं। अब जब लड़के ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे कैसे आप जो है कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी। इस बात को समझना है कि मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या मेल की घटने लगी थी वार की वजह से, और भुखमरी फैल चुकी थी, तो भुखमरी की वजह से भी लोग मरने लगे थे। तो धीरे धीरे जो जनसंख्या पॉपुलेशन वहाँ की थी वो अंडर कंट्रोल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब बेकार हो चुकी थी, एकदम खराब हो चुकी थी, वहाँ सेक्स रेशियो एकदम गड़बड़ा चुका था, सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी थी, मेल का संख्या इतना तेजी से घट रहा था कि मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के साथ तो रूस था, लेकिन ब्रिटेन जर्मनी से लड़ाई करने के लिए रूस के पास उतने सामान नहीं थे कि वो लड़ाई कर पाए, और उतने सोल्जर भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास संख्या घट रही थी धीरे धीरे, मैंने अभी बताया आपको। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को अगर आप पैदा करेंगे तो आपके बच्चों का आधा खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट भी उठाएगी, यहाँ तक रसिया ने अनाउंसमेंट किया है कि मैं मतलब आपके बच्चों को वो स्कूल देगी, स्कूलिंग कराएगी, कॉलेज में जब पढ़ेगा तो उसको जो है उसका खर्चा उठाएगी, उसके बाद स्कॉलरशिप देगी, उसके बाद हॉस्पिटल का कोई खर्चा होगा मान लीजिए दवा का,
ठीक है, दवा दारू का मतलब, दारू का मतलब वो मत समझिए वाला दारू, ठीक है, दवा का वो सब आपको जो है सारी व्यवस्थाएं देगी, ठीक है। तो रसिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इसलिए देता है रसिया क्योंकि आप बच्चे पैदा करें, क्योंकि वहाँ सेक्स रेशियो कम से कम ठीक हो। लेकिन आप जान रहे हैं कि इतने सालों से जो ख़राब जो सिस्टम बन करके आया हुआ है, डिस्टर्बेंस हो चुका है 6 और 10 का रेशियो, जिसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको भरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि 10 लड़कियों पे 6 लड़के जो थे वो 10 के 10 बराबर हो जाए या 10-10 9 हो जाए। तो ये लगभग लगभग पहले से तो ठीक हुआ है रसिया में, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि आप कह सकते हैं कि वहाँ का सेक्स रेशियो अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए आते हैं, बाद में बात करते हैं। देखिए 1480 में अगर पीटर महान से पहले, राजा बनने से पहले अगर देखेंगे तो चंगेज खां जो था मंगोल जो शासक था, उसने भी रसिया पे अटैक किया था और रसिया के बहुत सारे हिस्से को उसने जीत लिया था, ठीक है। मंगोल शासक है, ठीक है, चंगेज खां। और चंगेज खां का मंगोल में आप देखेंगे तो मंगोलिया में, मंगोल जो है मतलब क्या है, मंगोलिया के रहने वाले को मंगोल कहते हैं, ठीक है। और मंगोलिया का कैपिटल बताएंगे तुरंत, आप जो है कमेंट में तुरंत आप हमको बताइए कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है, ठीक है। मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है किस तरह से हमला किया था रशियन जो मिलिट्री पर, लेकिन बाद में नेपोलियन 1812 में आप देख पा रहे होंगे कि उसकी हार हुई, नेपोलियन बहुत बुरी तरह से हारा, ठीक है। और 1825 में निकोलस सेकेंड जो है वहाँ का जार बना, शासक बना, और क्रीमिया का युद्ध भी हुआ, ऑटोमन एम्पायर से भी युद्ध हुआ। ऑटोमन एम्पायर आपको मैं बताऊंगा कि तुर्की के रहने वाले ये लोग थे ऑटोमन एम्पायर, और रूस से उससे लड़ाई भी हुआ था, ठीक है, 1853 में। और बाद में आपको मैं बता दूं, जान करके आपको शॉकिंग होगा कि 1867 में 1867 में रसिया ने अपना एक स्टेट ही बेच दिया था अमेरिका को, क्योंकि दरअसल अमेरिका के पास जो है उस वक्त उतने पैसे नहीं थे, अमेरिका उतना अमीर था, अमीर नहीं था, इन्फेंसी में जी रहा था, मतलब बचपने में भी जी रहा था, लेकिन फिर भी रसिया ने ऑफर किया अमेरिका को कि मेरा मतलब ये वाला स्टेट ले लीजिए, अलास्का वाला, मैं जो है इसको अब नहीं चला सकता ज़्यादा, तो आप ले लीजिए, मेरे पास पैसे की ज़रूरत है अभी। तो रसिया को जब पैसे की ज़रूरत थी अमेरिका को, उसने जो है अलास्का को स्टेट के रूप में बेच दिया। अमेरिका ने उसको बाद में, पहले ऑफर जो दिया था वो 1859 में ही दिया था, 1859 में ही दिया था, लेकिन 8 से 9 साल लगे अमेरिका को ये डिसीजन लेने में। बाद में अमेरिका ने कहा ठीक है मैं आपका स्टेट ले लूँगा अलास्का को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अलास्का को ये ले लेता है जब अमेरिका, तो उसको वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप क्यों ले लिए अलास्का, अलास्का पे एकदम माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे कुछ पैदा भी नहीं होता, वहाँ इतना हार्श वेदर है, वहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है, तो आपने वो क्यों ले लिया, आपका क्या फ़ायदा वहाँ पे है। तो अमेरिका के लोग जो है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए वहाँ राष्ट्रपति का वहाँ के। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे एक गोल्ड माइन पाया गया अलास्का के एक, मतलब अलास्का के एक शहर में गोल्ड माइन पाया गया, वहाँ पे सोने का बहुत बड़ा भंडार था, वहाँ पे लोग देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि अरे यहाँ पे माउंटेनियस रीजन में इतनी ठंडी में यहाँ पे आपका गोल्ड माइन कहाँ से हो सकता है। लेकिन फिर अमेरिका की किस्मत ने साथ दिया और आज अलास्का जो है वो अमेरिका का एक स्टेट भी है, और मैं बता दूं कि उसने जो है रसिया से ये स्टेट ख़रीदा था। बाद में रसिया ये सोचकर बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब मैं बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप में गुस्सा हुआ होगा कि इतना ज़्यादा जो है कि कैसे उसने, किस तरह से उसने जो है इतने अच्छे से एक स्टेट को छोड़ दिया था जो कि वहाँ गोल्ड माइन उसका था, ठीक है, आप समझ सकते हैं इससे। चलिए ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि अलास्का जो है वो किसका स्टेट है, आप बताइएगा तुरंत अलास्का किसका अब स्टेट है, आपको कमेंट करके बताना है कि अलास्का किसका स्टेट है, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको एक बात बता दूं, अभी फ़िलहाल में अलास्का तो आपको बताना है पहले कि इसका स्टेट है, चलिए बताइए आप कमेंट करके, तब मैं आगे आपको बात करूंगा। तो आप देखिए 1867 में रसिया जो है उसने सोल्ड कर दिया किसको, अलास्का को किसको सोल्ड कर दिया, यूनाइटेड स्टेट को, जो कि बाद में एक गोल्ड माइन वहाँ पाया गया, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ आपके सामने, और देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1825 में निकोलस फर्स्ट जो है जार बना, वहाँ का राजा बना। और देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था 1914 में जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, रसिया जो है वो बिल्कुल, देखिए लड़ना नहीं चाहता था फर्स्ट वर्ल्ड वार, रसिया बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं था कि रसिया शामिल हो, उसका कोई रीज़न नहीं था। लेकिन क्योंकि रसिया में क्या हो रहा था उस वक्त, भूखमरी इतनी बुरी तरह से फैल चुकी थी, 17 17 18 18 साल हो चुके थे
वहाँ के सैनिकों को पैसा दिए हुए, राजा एकदम अपना पूरा करप्शन की वजह से पूरे एकदम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो चुकी थी, पूरी स्थिति खराब हो चुकी थी, वहाँ के लोग इतने करप्ट हो चुके थे, पुलिस इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से जो लोग थे आम जनता थी उनके ऊपर जुल्म करती थी कि मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा स्थिति खराब था। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ कि रूस न चाहते हुए भी इसलिए शामिल हुआ कि जैसे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, रसिया के लोग का ध्यान इसलिए वो भटकाना चाहता था क्योंकि देखिए क्या है कि आपके सामने अगर भूखमरी हो, ठीक है, बेरोजगारी हो, ठीक है, करप्शन के चार्जेस सरकार के ऊपर लग रहे हो, राजा के खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके हों, तो उस वक्त उनका मतलब दिमाग को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रसिया के राजा ने सोचा कि अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो जाता हूँ तो इससे लोग जो है उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और इस तरह से रसिया ने न चाहते हुए भी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, टू पावर्स में जो दो पावर थे एलाइड नेशन और सेंट्रल नेशन उनके बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और रसिया न चाहते हुए भी इंटर किया। वहाँ के राजा निकोलस सेकंड ने जो है रसिया को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंटर करा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से गलत डिसीजन था। उसके बाद बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, बहुत लोग मारे गए रसिया के बिना किसी वजह के, जो कि बिना किसी फायदे के, ठीक है। 1898 में आप देख पा रहे होंगे रसियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो है इस्टेब्लिश किया मार्क्स और मार्क्स ने, ठीक है, और लेनिन जो है वो लीडर बना बोल्शेविक का। देखिए दरअसल क्या था कि वहाँ पे एक पार्टी थी RSDP, ठीक है, RSDP रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, RSDP जो पार्टी थी, आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्क्स कार्ल मार्क्स जो कि वहाँ के बहुत बड़े विचारक थिंकर हुए थे उन्होंने बनाई थी। और मैं एक बात और बता दूँ, दरअसल हुआ क्या था कि दो तरह की आइडियोलॉजी वहाँ चलती थी। दरअसल कम्युनिस्ट जो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन दरअसल हुआ क्या, कम्युनिस्ट जो सरकार थी सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं बनी थी तो वो बनी थी रसिया में, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो सबसे पहले रसिया में बनी थी। कम्युनिस्ट का मतलब होता है देखिए किसानों की सरकार, ठीक है, मजदूरों की सरकार, गरीबों की सरकार। कम्युनिस्ट का मतलब होता है गरीबों की, किसानों की सरकार। तो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसमें दो जो है अलग अलग आइडियोलॉजी बढ़ चुके थे, जैसे कि कांग्रेस में 1907 में गर्म दल और नरम दल बढ़ चुके थे, तो उसी तरह रसिया में भी जो है दो पार्टी, एक पार्टी ही दो मतलब उसके अलग अलग पार्ट हो चुके थे। कौन कौन से पार्ट हो चुके थे, वो अलग अलग पार्ट हो चुके थे किस तरह से, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। दरअसल हुआ क्या था, दरअसल देखिए मैं आपको बता दूं, मार्क्सिस्ट जो थे वो मार्क्स के विचारों को मानते थे, जो कार्ल मार्क्स था, और लेनिन जो था वो लेनिन के विचारों को मानते थे, मतलब लेनिनिस्ट जो थे वो लेनिन के विचारों को मानते थे। मतलब मार्क्स का और लेनिन का अलग अलग मानना था। देखिए मार्क्स का मानना ये था कि पार्टी होना चाहिए, लेकिन लेनिन का मानना था कि पार्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्क्स ने किस तरह से रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भी बना दी थी, ठीक है, लेकिन लेनिन जो था वो लीडर बना बोल्शेविक का, ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक, बोल्शेविक और मेंशेविक अलग अलग दो जो है धड़ थे, अलग अलग पार्ट थे, ठीक है, इन्हीं पार्टी के दो अलग अलग, बोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक। चलिए आपको मैं बताता हूँ, 1917 में अल्टीमेटली जो है रिवोल्यूशन हो जाता है रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ और पूरी तरह से ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, यानी पावर के जो रसिया के राजा हैं उसके राजा के पावर को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है उठा करके, और राजा को बाद में मौत के घाट भी उतार दिया जाता है वहाँ की जनता के ही द्वारा, ठीक है, इसको समझिएगा, इसको अक्टूबर रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में घटा था इसलिए अक्टूबर रिवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है कि आप अक्टूबर रिवोल्यूशन से क्या समझते हैं, अक्टूबर रिवोल्यूशन के बारे में लिखिए, तो अक्टूबर रिवोल्यूशन का मतलब है कि वो रसिया के रूस के क्रांति के बारे में पूछना चाह रहा है या रशियन रिवोल्यूशन के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और 1918 में आप समझते हैं कि किस तरह से USSR, दरअसल मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 1991 में जैसा टूटा दरअसल USSR, तो टूटने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो यूरोप के जो कंट्री थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रहे थे, और रसिया के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले इलाके थे वो बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन थे, वहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रसिया इतना बड़ा है कि वो मॉस्को को ही देख रहा था और ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा था दूसरे दूसरे इलाके में, करप्शन इतना ज़्यादा था तो कहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा। इसकी वजह से लोग नाखुश होते गए और उन्होंने कहा कि मुझे अलग देश चाहिए, और अलग देश बनाने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा एक बंटवारा हुआ और 13 से 14 देश करीब करीब आपके लमसम में कह सकते हैं कि 1991 में अलग हो गए रूस से, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए कि आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, आपको समझ में तो आ रहा है बातें ना, आप तुरंत हमें बताइए और बताइए कि आपको समझ में बातें तो आ रही है ना, कमेंट करिए, आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आवाज़ तो आ रही है मेरी ना,
चलिए कमेंट करिए जी, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। देखिए भाई, आपके ये भी याद रखिएगा, लेनिन की जो मौत थी वो 1924 में हो चुकी थी, ठीक है। बाद में स्टालिन जो है वहाँ का डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर का मतलब आप समझ सकते हैं, जिस तरह से जर्मनी का डिक्टेटर जो है हिटलर बना था, उसी तरह अमेरिका, अरे रूस में भी एक एक डिक्टेटर हुआ जिसका नाम था स्टालिन, ठीक है। बहुत बुरी तरह से लोगों को मरवाया दोस्तों, बहुत ही बुरी तरह से। 40-50 हज़ार लोगों को तो सामने सामने ख़त्म करवा दिया, गोलियों से AK-47 से धर 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 सबको धुन दिया, और बहुत बेकार तरीके से मतलब मरवाया सबको। जो भी इसके खिलाफ जाता था सबको मरवा देता था, जिसकी वजह से भी वहाँ के मेल की जनसंख्या घटी थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, आगे चलिए मैं बात करता हूं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ मेनी टाइम जोन इन रसिया, रसिया में कितने टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब ये है कि रसिया में कितने टाइम अलग अलग घड़ी घड़ी जो है वो क्लॉक जो है वो कितने अलग अलग टाइम दिखाती है। अगर रसिया के पूरे हिस्से की बात करें तो कितने टाइम जोन है रसिया में। 7, 11, 34, 6 आपके ऑप्शन ये हैं। आप तुरंत आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कितने जो है, आपको बताना है कि कुल कितने टाइम जोन है सॉरी रूस में। 7, 11, 34, 6 अजय स्वेपर 6, ठीक है। मैं बताऊंगा आंसर, अभी बता दूंगा तो सब लोग सुन लेगा और बता देगा। चलिए बताइए जल्दी 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 बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। चलिए वैसे मैं बता देता हूँ आपको आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, वो होगा आपका 11, ठीक है। तो रसिया में 11 टाइम जोन है, यानी एक पार्ट में अगर रसिया के सुबह होगा तो एक शाम होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ डिफरेंस है टाइम में। और क्योंकि वहाँ समय इसलिए डिफरेंस है क्योंकि वहाँ दिक्कत इस बात का है कि इतनी बड़ी कंट्री है कि वहाँ पे जो इक्वेटर है, और आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एकदम नॉर्थ पोल पे रसिया सिचुएटेड है, ठीक है। मैंने आपको मैप में दिखाया भी है। चलिए ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आवाज़ आपको किस तरह से आ रही है। आवाज़ आपको क्लीन तो आ रही है ना, आप लोग बताए नहीं कि आपने आंसर दिया 6 अजय ने, रॉन्ग आंसर आपका है। मैंने आपको बताया आंसर आंसर 11 है, ठीक है। 11 टाइम जोन है रसिया में, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ अब और आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक टाइगर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, टाइगर में आपको बहुत अच्छा टाइगर एक दिख रहा होगा। ये साइबेरियन टाइगर है जो कि एडाप्टेड है वहाँ के लाइफ रसिया में रहने के लिए। और मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पे स्नोवी माउंटेन्स होते हैं रसिया में, इतने तगड़े स्नोवी माउंटेन्स होते हैं कि वहाँ पर मतलब पोर्ट जो होता है ना, वहाँ पे बंदरगाह, वो भी वहाँ पे इतने ज़्यादा ठंडे और मतलब जम करके इतने ज़्यादा वहाँ बर्फ़ जम जाता है शाम होते होते, और सुबह होकर के इतना ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है कि वहाँ पे बंदरगाह जो होते हैं, जो पोर्ट होते हैं जो कि सिप से सिप के होते हैं, वो जम जाते हैं पूरा, ठीक है। साइबेरियन टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा एडाप्टेड होते हैं वहाँ के लाइफ को रहने के लिए। वहाँ आराम से वो स्नोवी माउंटेन में भी रसिया में आराम से वो स्लाइड करते हुए और दौड़ सकते हैं। ऐसे अगर आम टाइगर को आप देखें तो वो स्नोवी माउंटेन में उतना अच्छे नहीं रन कर पाएंगे, लेकिन साइबेरियन जो टाइगर होते हैं वो आप आराम से देखेंगे तो वहाँ पे वो टहल सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। वहाँ का कल्चर कैसा है, रसिया के जो लोग हैं वहाँ में 120 जो एथनिक ग्रुप आपको मिलेंगे, मतलब 120 एथनिक ग्रुप का मतलब वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, 100 ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अलग अलग मतलब जैसे हुआ क्या कि रसिया के बहुत सारे बाउंड्री जो हैं अलग अलग देशों से हैं, तो अलग अलग जो जो देश हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। वहाँ के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। लगभग 80% रशियन जो हैं वो पहले क्या हुआ करते थे, स्लेव्स हु सेटल इन द कंट्री इन 15 ईयर्स एगो, वो पहले क्या थे, वो दास थे, वो दास मतलब गुलाम थे, वो पहले पहले गुलाम थे। वो कहीं ना कहीं से आकर करके वो लड़ाई करके जीत करके आ करके फिर हार करके इसी तरह से कहीं कहीं से आकर 1500 साल पहले यहाँ से बसे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे तातार्स जो है ग्रुप है रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो मंगोल इन्वेडर से आए हुए थे एंड यूक्रेनियन, यहाँ पे यूक्रेन के लोग हैं। जैसे हमने बताया 1991 में यूक्रेन अलग हो गया। यहाँ के कुछ विचारक थिंकर हुए हैं, जिनमें एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं जिनका नाम था लियो टॉलस्टॉय, ठीक है ना। लियो टॉलस्टॉय ने एक किताब भी लिखी थी, आप बुक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मैं चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर जिसको आ रहा है वो कमेंट में कमेंट करे, मैं बता दूँ लियो टॉलस्टॉय की जो बुक है वो है वार एंड पीस, ठीक है, क्या नाम है, वार एंड पीस, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देखिए बहुत ज़्यादा आपके सामने इम्पोर्टेंट
वहाँ का एक कैथेड्रल है ऑफ कम्युनिकेशन है, किसका है, मॉस्को का, ठीक है, यानी वहाँ के कैपिटल में, जिसका नाम है क्रेमलिन पैलेस, ठीक है। क्रेमलिन पैलेस कहाँ पे है? क्रेमलिन पैलेस आपका रसिया में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में कि क्रेमलिन पैलेस आपको कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। क्रेमलिन पैलेस आपका जो है सिचुएटेड है वो रसिया में है, ठीक है। क्रेमलिन पैलेस कहाँ पे है? रसिया में। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पे इसके टॉम दिख रहे होंगे और आपके गोल्डन कलर के टॉम दिख रहे होंगे, ये आपका क्रेमलिन पैलेस है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप, क्रेमलिन पैलेस कहाँ है। तो क्रेमलिन पैलेस कहाँ है? क्रेमलिन पैलेस आपका है रूस में। मैंने जैसे आपको बताया इससे पहले कि जब पीटर महान की मैंने बात की कि पीटर महान वहाँ का बहुत बड़ा राजा हुआ जिसने बहुत ज़्यादा सोशल ईविल को हटाया, वहाँ के सामाजिक बुराइयों को हटाया उसने, तो इसीलिए उसके ही नाम पर यहाँ का एक शहर का नाम है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग क्या नाम क्यों रखा गया है? पीटर महान राजा के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बाद में इसको समझेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको फिगर से समझाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन कितना है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है नेचुरल एनर्जी को, तो वो है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो वो है रूस। ध्यान दीजिएगा इसको, नेचुरल गैस पूरे वर्ल्ड का 52% जो है वो प्रोड्यूस करता है रूस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कौन करता है? रूस करता है। यहाँ पेट्रोलियम के भी बहुत अच्छे अच्छे रिच जो है यहाँ भंडार है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माइंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आलू भी बहुत अच्छा होता है, पोटैटो भी अच्छा होता है, टॉप 5 में यहाँ कंट्री है। दरअसल दरअसल दोस्तों क्या है कि यहाँ पे नेचुरल गैस इतना ज़्यादा पाया जाता है कि सोचिए आप, जर्मनी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका दुश्मन था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दुश्मन था, लेकिन ये आज जो है नेचुरल गैस की वजह से, ट्रेडिंग करने की वजह से, आज जर्मनी बहुत बड़ा दोस्त है इसका। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जब सब देश रूस के खिलाफ बोल रहे होते हैं तो जर्मनी उस वक्त साइलेंट रह जाता है, न्यूट्रल रह जाता है, वो बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको नेचुरल गैस चाहिए होता है रूस से, और जानते हैं आप, किसी से कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो उसके बारे में बुराई नहीं करता है। तो उसी तरह जर्मनी भी जो है अब रूस की बुराई इसलिए नहीं करता है। तो आपको ये भी जियो पॉलिटिकल समझना होगा कि कौन देश किसके खिलाफ है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन अगर बात करें तो ब्रिटेन तो बहुत हमेशा एंटी रहा है रूस के, हमेशा एंटी रहता है, क्योंकि उसका कोई काम निकलता नहीं है ब्रिटेन ब्रिटेन का रूस से। जबकि आप अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ था रूस, उसके बावजूद ब्रिटेन आज दुश्मन बनकर के बैठा हुआ है। एक तरह से दुश्मन नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जाता है ब्रिटेन और उसके खिलाफ खुल करके बोलता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहाँ पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो पाए जाते हैं रूस में, ठीक है। और फिर उसके बाद पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के आपको देख रहे होंगे 22% जो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस 52%, और आपके कोल 13% पाया जाता है। 2017 का वर्ल्ड एनर्जी का ये आपको मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में रूस बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। अगर आपको ध्यान दें तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ओपेक एक कंट्री है, OPEC, ठीक है, कॉपी लेकर आप लिखते रहिएगा, OPEC, ऑयल, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है ओपेक, एक बहुत सारे लोग, मतलब 5 से 6 देशों का एक ग्रुप है जिसमें जो लोग सिर्फ तेल का उत्पादन करते हैं, कच्चे तेल का, जिसको रॉ मतलब क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल जो होता है वो बाद में उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, उसी से ये सब बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या है कि उसी से बनने के बाद जो रसिया है वो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, और जिसकी वजह से रसिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है प्राइस के ऊपर कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। रसिया इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मिनरल एनर्जी रिसोर्स ऑफ रसिया कितना है। 55 ट्रिलियन रूबल, देखिए मैंने बताया ना वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, रूबल है, ठीक है। यहाँ पे डायमंड भी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 480 बिलियन रूबल जो है गोल्ड के माइन है, बहुत बड़े बड़े टन है, यहाँ पे 1407 टन आप देख पा रहे होंगे गोल्ड के माइन है, बहुत तगड़े तगड़े गोल्ड के यहाँ माइन है। और मैं आपको बता दूँ कि एक पिक्चर आपने शायद देखा हो कि नहीं देखा होगा, प्लेयर्स एक पिक्चर है, उसमें भी रसिया के व्लाडिवोस्टक शहर का ही दृश्य है, यानी सीन आपको दिखाया गया है, और गोल्ड माइन वहाँ पे वहीं का दिखाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे डायमंड और गोल्ड के बड़े बड़े माइंस भी हैं रसिया में, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे, मैं जब आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैं आपको जब PDF दूंगा तो आप देख लीजिएगा इसको आप, लेकिन नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो बस यहीं तक था वीडियो आपका, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो में आपको क्या और चाहिए और वीडियो में अगला टॉपिक क्या होगा। बस यहीं तक वीडियो था और स्लाइड भी यहीं ख़त्म होता है, और रसिया के बारे में जो मेन मेन जानकारी थी मैंने आज आपको दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और फिर मैं जो है अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं कमेंट आपको जैसा कि देख रहा हूँ, दो मिनट के लिए मैं कमेंट आपका देखता हूँ, मैं जवाब देता हूँ आपका, ठीक है। आप बता सकते हैं मुझे। अविनाश सिंह, यस सर, ओके, ठीक है। आपको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया तो बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो बताइए कितना समझ में आया आपको। कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करके बताइए आप लोग को कितना समझ में आया। छह लोग लाइव हैं लेकिन अभी तक कोई कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट करके बताइए आप। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है फिर। हाँ समझ में आया सर, आई एम शिवम, ओके अजय, ओके आप शिवम हैं, ठीक है, ओके। सिक्स ये रेनू, रेनू ये, ओके रिधिमा, सिक्स क्या क्या सिक्स क्या सिक्स आपको, अच्छा अच्छा सिक्स का मतलब आप बहुत ज़्यादा लेट में का आंसर दे रहे हैं, मतलब सिक्स, ओके। ओके समझ में आया। आवाज़ ठीक आ रही थी, आवाज़ ठीक आ रही थी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ लाइव में। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ लाइव में। अविनाश सिंह, यस सर, ओके ओके, चलिए ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए फिर, मिस हो गया बहुत, चलिए ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, मिस हो गया, मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। मिस हो गया आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा था, ऐसा लग रहा था इसलिए मिस हो गया क्या। देखिए एक घंटे में कंप्लीट भी करना था ना, तो 58 मिनट के आसपास तो हो ही चुका है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ा आप लोगों को। चलिए ठीक है फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब के लिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।